कभी एक जमाने में हम लोग चक्की का आटा खाते थे, मतलब ऐसा बाबू के समझ में आता है कि आप फिल्टर बंद करना है, तो ये सबसे पहले शुरू कर दिया, प्लीज फिल्टर बंद करो प्लीज। वन डे वी विल गोइंग टू फॉर हज। मेरा वाला कौन सा है? आप वाला मतलब अलग अलग है क्या? तो आज मैं बना रहा हूँ चिकन का ब्लॉग बना रहे हैं, तो पानी मतलब अलग से खराते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वसीम रहमान ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है, खैर मुकदम है, स्वागत है। तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें पूरे वीडियो को देखें, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो प्लीज़ 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 थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय ऑल ब्लॉग्स। और साथ ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं सीधे सीधे बोल लूँ कि अभी लंच का वक्त हो रहा है, घड़ी में बज गए हैं 2 और मेरा एक फ्रेंड आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, दूर से आ रहा है, तो शबाना फटाफट कुछ बनाने की तैयारी में है। तो बस अब देखते हैं कितने देर में बनता है, उसके बाद हम लंच करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। यहाँ पर इनकी तैयारी माशाल्लाह ज़ोरों शोर पे है, बन रहा है। कितना टाइम और लगेगा? छोटा पड़ गया, हमको नहीं पता था कितना भर जाएगा। रखूँ उसमें? हाँ, प्याज का पेस्ट डाले थे ना, इसी वजह से। देखिएगा, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मुझे आता है बनाने। और अभी तो सिर्फ प्याज का पेस्ट डालें। तो आज मैं बना रहा हूँ चिकन का। हाँ, जल्दी करिए जल्दी करिए, लेट हो रहा है। अभी आधे घंटे में बोलेंगे कि खाना तैयार नहीं हुआ। तो आज है संडे, वक्त दिन तो मैंने बताया नहीं था, संडे है। और बस जो मेरे मित्रगण हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो बस ऑन द वे हैं, वो आ रहे हैं। तो अच्छा लो, बाकी का तुम कर लो, मैंने इसको पलट दिया है। शबाना से मैंने पहले ही बोला था कि तुम बड़े वाले साइज़ का ये इसमें बनाओ, पर तुमको कॉन्फिडेंस था कि नहीं इसमें बन जाएगा? अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं था, बस हमें लगा कि बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। चलो तो अभी तुम इसमें कर लो। ओके चलो, ठीक है, मैं भी काम करता हूँ, घर पे रहता हूँ। तो सिर्फ भुनाई करते तो इसमें हो जाता, लेकिन क्या भुनाई नहीं करना है, इसकी धुनाई करनी है। भुनाई मतलब कि भुना हुआ चिकन बनाते तो इसमें हो जाता, लेकिन थोड़ा तो शोरबा भी लगाएंगे ना, इसी वजह से इसमें नहीं होगा। तुम इसी में बना लिया करो, ये साइज बहुत परफेक्ट साइज है। और लेकिन अब और ज़्यादा कढ़ाई खरीदने के लिए मत बोलो, और ज़्यादा बर्तन लेने के लिए भी मत बोलो, क्योंकि किचन है तुम्हारा बहुत छोटा। सही बात, जब इंशाल्लाह तुम्हारा किचन बहुत बड़ा होगा तो फिर तुम अपने के लिए वो हो जाता है प्रॉब्लम। हाँ, तो बहुत ज़्यादा किचन में मेरे स्पेस नहीं है। तो जब तुम्हारा इंशाल्लाह बड़ा किचन हो जाएगा तो अपने हिसाब से सामान लेना। ओके, तो अलग से पानी, मतलब पानी में नमक क्यों? पुलाव बनाएंगे ना, उसके लिए अलग से नमक, पानी में नमक डाल के खौलाया जाता है। मतलब हम खौलाते हैं, बाकी अब और लोग कैसे बनाते हैं हमको नहीं पता। हम पुलाव बनाते हैं तो पानी मतलब अलग से खौलाते हैं, नाप कर। थोड़ा ही सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये डालेंगे, थोड़ा सा ये सैजीरा, बस। चावल डाल के 2 मिनट भूनते हैं। ये तो बहुत लाजवाब पुलाव होगा, है कि नहीं? हाँ है, लाजवाब पुलाव होगा कि नहीं? हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा। नहीं, ऐसे थोड़ा सा ना इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा आप भून लो, खड़े मसाले डाल के हल्का सा 2 मिनट इसको चला लो, उसके बाद जो ये पानी खौलाए हैं, गरम है यार, ये पानी खौलाए हैं नमक डालकर,
जितना उसमें नमक चाहिए इसको डाल के बस पका लेने का। इसको अभी भूनेंगे थोड़ा सा। तैयार हो गया है, हुआ भी नहीं किया, बस सोई गई। ओके यहाँ पे लो बेटा, चेयर ले जाओ यहाँ से। चलो हैंड वॉश करो, बाहर से आई हो लगी रोटी। हैंड वॉश होती है? हैंड वॉश नहीं, हैंड वॉश। चलो क्या लाई हो बेटा? क्या लाई हो? आइसक्रीम और चिप्स। चलो पहले हैंड वॉश कर लो। तो सुबह की चाय पीते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे मेथी के पराठे खाने चाहिए। ये वाले पराठे खा कर मुझे किसी बोरियत सी महसूस होने लगी है। तो तुम अब मेथी के पराठे सीखो बनाना, कैसे बनाते हैं? आलू पराठे बनाते हैं। आलू पराठे भी, आलू पराठे बन जाए तो वेरी गुड। अगर मेथी के पराठे, मेथी पराठे मैंने बहुत खाया है अपने ड्रामा स्कूल में। मेथी के पराठे सुबह वही मुझे मिलता था, तो मेथी के पराठे और चाय। कोई ऑप्शन नहीं, पकौड़े भी बनते थे और पकौड़िया बनती थी, सैंडविच बनते थे। अलग अलग डिश बनवाता था। आज तक मेथी आप घर पे लाए ही नहीं है, तो अब आ जाएगा ना अभी, लेकिन देख लो क्योंकि अभी ये पराठे खा गए। ठीक है खा लेते हैं। थैंक यू। इसमें मेरा वाला कौन सा है? आप वाला मतलब अलग अलग है क्या हम लोग का? अरे जिसमें तुमने वो बटर घी कम लगाया होगा कौन सा है? सब एक ही है, थोड़ा ही नहीं होगा आपका, थोड़ा ही थोड़ा। ठीक खा लेते हैं, अभी खा लेता हूँ, लेकिन मेथी के पराठे बनाना कल इंशाल्लाह। तो मैं निकल रहा हूँ बाहर, मेरे कुछ पेंडिंग काम है, मैं उस काम को ख़त्म करता हूँ और उसके बाद फटाफट जाता हूँ, फटाफट आता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसे करना भी ज़रूरी है। और शबाना घर पर लंच के लिए इंतज़ार कर रही है, तो चलते हैं, वो कराता हूँ, उसके बाद मुलाकात होगी। काम तो मेरा पूरा हो गया, लेकिन सोचा तो मैं एक घंटे में आ जाऊँगा, ढाई घंटे में लौट रहा हूँ। और अब शबाना का रिएक्शन, अरे यार उससे अच्छा था कि आप खाना खा कर गए होते, अभी लौट रहे हो। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं शड़ी में आ गया हूँ, और मैं यहाँ पर करीब आधे घंटे तक मैं अपनी वॉक करूँगा, उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट, उसके बाद घर। तो ठीक है मैं अपनी वॉक ख़त्म कर लूँ। मेरी क्यूटी बेटी, मेरी सुंदर बेटी, क्या क्या पापा से प्यार करती हो? यस, ओ थैंक यू थैंक यू। और मम्मा से गेम खेल रही हो? ओ पजल्स। ए मुर्गी, ए लिटिल मुर्गी, भी किचन में आओ, शोर शराबा इधर हो रहा है, फैन भी चल रहा है, फिल्टर भी चल रहा है, और इनका एक कड़ी भी बन रहा है।
बहुत सही रहता है। तो भाई साहब हमारे घर में जो फिल्टर चलता है ना उसमें थोड़ा सा साउंड करता है, तो जैसे ही फिल्टर भरता है ना तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। तो भाई साहब वो कोई समझ में आता है कि हाँ फिल्टर बंद करना है, तो ये सबसे पहले शोर करते हैं, प्लीज़ फिल्टर बंद करो प्लीज़। तैयारी शुरू हो गई है और लोग तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, तो जाने वाले तो इंशाल्लाह जाएंगे। हम लोग कब जाएंगे? हम लोग ये तो इंशाल्लाह जब बुलावा आएगा तभी जा सकते हैं। हमारे भी नसीब में होगा, हम लोग के नसीब में होगा तो जाएंगे। वन डे वी विल गोइंग टू फॉर हज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ करें प्लीज़। तो और आप सब भी जाएं, तहे दिल से आप सब के लिए भी दुआएं हैं कि आप ऊपर वाला हर एक की नसीब में हज और उम्रा नसीब अदा फरमाएं, और आप लोग भी हज उम्रा के लिए जाएं, और हम सब के लिए भी दुआ करें कि हम लोग भी कभी न कभी जाएं। गर्म रोटी खाने में भी मतलब कभी कभी मिलता है, अच्छा लगता है। जैसे चक्की का आटा आप ला रहे हैं ना, मेरी रोटियां कम फूल रही हैं। क्यों? लेकिन तुम कितना मोटा बना रही हो यार। पता नहीं। नहीं, मोटा नहीं है, ठीक है। मैंने भी चक्की वाले आटे मंगवा लिए, लेकिन शबाना को आटा जम नहीं रहा है। अरे और गुते रहो, गुथाता और ही नहीं इनको है। उसको गूथने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अभी आदत छूट गया है, तो वो धीरे धीरे आदत लगेगा। और इन्होंने बोला कि अब मुझे ये चक्की का आटा नहीं चाहिए, मुझे पैकेट वाला ही आटा चाहिए, लेकिन चक्की का ही अब आटा आएगा। और मैं चक्की वाले से बात करूँगा, कोशिश करूँगा कि भाई प्लीज़ अच्छा आटा दो, क्योंकि अच्छा खाएं स्वस्थ रहें। इससे हमको ये रहता है ना कि ये गूंथते रहते हैं, ये मुलायम होता ही नहीं है बहुत, इसमें हमको जान लगती है। पता नहीं ऐसा ही होता है, क्योंकि कभी एक ज़माने में हम लोग चक्की का आटा खाते थे, मतलब गेहूँ पिसा कर। अब तो भाई पैकेटे का आता है, वही इंसान खाता है। लेकिन इस बार आप ले आए ना तो हमें हजम नहीं हो रहा है, तो बहुत मेहनत तक रहा है, वो नरम ही नहीं होता है। इतने ज़्यादा पसीने हो रहे हैं, मतलब इतना गर्मी इतना ज़्यादा, और आज भी बढ़ी है गर्मी हमारे। गर्मी है, गर्मी का टाइम है, तो जाहिर सी बात है गर्मी होगी। और किचन का हमारा जो फैन भी ख़राब हो गया है, इन द सेंस वो ठीक से नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन कल आएगा तो जो ठीक करा जाएगा, है ना। तो तुम और कुछ चक्की के बारे में कुछ बोल रही थी। हाँ, मतलब वही हम कह रहे थे कि पता नहीं अब ऐसा ही रहता है या क्या, हमको नहीं पता, लेकिन ये हमको बहुत टफ पड़ रहा है। ये थी हमारी एक कड़ी, डाल देते हैं इनका। धनिये के नाम आने से हंसी क्यों आती है?